3, 2, 1। हाँ भाई व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतें और नेमतें समेट रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको तमाम हयात खुश रखे और आपकी जान और माल की हिफाजत फरमाए, आमीन। शुरू करते हैं ब्लॉग को। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बहुत अच्छा हाईवे अफगानी चिकन कढ़ाई बनाना सिखाया था। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द फीडबैक। कुछ लोगों ने ट्राई भी की, इट वाज रियली मार्वलस। और बहुत सादा सी वो डिश थी एंड इट वाज माउथ वाटरिंग। ठीक हो गया। अच्छा, अब भी जो आ रहा है आज के जो ब्लॉग में है वो भी बहुत माउथ वाटरिंग है, और वो है बिगिनर्स के लिए, यानी कि जो बिरयानी बनाना सीखना चाहते हैं या बिरयानी को एक ख्वाहिश होती है कि यार मैं बिरयानी भी बनाना सीख जाऊँ किसी भी तरह से, कि बिरयानी किस तरह से बनती है, ठीक है ना। तो बिगिनर्स के लिए एक तह वाली बिरयानी मैं आप लोगों को बनाना सिखा रहा हूँ आज। और बहुत इजी प्रोसेस है, कोई इतना बड़ा फार्मूला नहीं लग रहा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए आसानी होगी बनाना, घर में बनाना। तो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, मेरी थ्योरी को फॉलो कीजिए। कोई भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए बीच में या कोई चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो तो आप लो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपने 5 कटे हुए प्याज ले लेने हैं, ठीक है ना, और उन्हें आपने एक पैन में डालना है। ऊपर से आपने 5 चम्मच खाने वाले टेबलस्पून ऑयल के डाल देंगे, ठीक है ना। अब आपने उनको फ्राई करना है तकरीबन 10 से 12 मिनट तक। अब जब वो गोल्डन ब्राउन की तरफ चले जाएं तो उसके बाद आपने उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है 2 टेबलस्पून। ठीक हो गया। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो 2 से 3 मिनट तक आपने पकाना है लो फ्लेम पर, ठीक है ना। प्याज भी लो फ्लेम पर पकाने हैं और अदरक लहसुन भी लो फ्लेम पर पकाना है। और ये हो गया आपके 15 मिनट। अब आपने उसमें डाल देनी है चिकन। चिकन आपने कितनी लेनी है? चिकन आपने 1 किलो लेनी है। चिकन आपने बड़े पीसेस वाले लेनी है, ठीक हो गया ना, बोन के साथ लेनी है, बोनलेस नहीं होनी चाहिए। उसे आपने फ्राई किया। अब आपने फ्राई किया उसे 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर, ठीक हो गया। ये फ्लेम्स का ज़रा ख्याल रखा करें, क्योंकि फ्लेम जो है ना वो ही असल में कुकिंग का जो मेजर जो जो टेक्सचर निकालता है ना वो फ्लेम निकालता है बेसिकली, ठीक है। तो फ्लेम ऊपर नीचे होना होता है तो इसका ख्याल कीजिएगा। तो प्याज आपने जो है वो मीडियम फ्लेम पर पकाना है 10 से 12 मिनट तक। अदरक लहसुन भी जो है मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट पकाना है। चिकन जो है वो हाई फ्लेम पर आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक जो है ना उसका अंतिल के उसका टेक्सचर चेंज ना हो जाए, कलर चेंज ना हो जाए। जब वो ब्राउनिश की तरफ चले जाए, गोल्डन की तरफ चली जाए, तो उसके बाद आपने उसमें बिरयानी मसाला डाल देना है। कोई भी बाज़ार में मिल जाता है, जो भी आपको पसंद हो। सिर्फ बिरयानी मसाला होना चाहिए, कोई साथ में कोई स्पेसिफिक कोई बॉम्बे बिरयानी या सिंधी बिरयानी ना लगा हुआ, सिर्फ स्पेसिफिक बिरयानी का मसाला लीजिएगा। और आपको पता है कि कौन कौन से अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आजकल तो मसाले मिल रहे हैं। तो वो आपने डाल देना है बीच में 1 किलो के हिसाब से। उसे अब आपने फ्राई करना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है, ठीक है ना, आधा चम्मच हल्दी डाल दीजिएगा ताकि चिकन का कलर जो है ना वो येलोइश की तरफ जाए, क्योंकि मसाला बिरयानी जो होता है वो ब्राउनिश होता है, तो ब्राउन कलर वो चिकन को देगा, जबकि थोड़ा सा चिकन को येलो भी करना होता है। तो इसके लिए आधा चम्मच जो है ना वो आपने हल्दी का डालना होता है ताकि उसका कलर जो है ना वो थोड़ा सा येलोइश की तरफ चला जाए। अच्छा, अब आपने उसमें 3 से 4 अदद जो है ना दरमियाने टमाटर लेकर कटे हुए वो डालने हैं, ठीक है ना, और उस वक्त तक पकाना है जब तक वो मीडियम फ्लो। अब आपने हाई से मीडियम पे कर देना है फ्लेम को, ठीक है। चिकन आपका पक चुका है, अब आपने टमाटर टेंडर करने हैं। टमाटर डालने के बाद आपने उसको टेंडर किया, टेंडर करने के बाद आपने उसके अंदर आधा नींबू जो है ना आधा नींबू निचोड़ दें, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है नींबू के साथ। आधा नींबू निचोड़ दें उसके अंदर, ठीक है ना। जो लंबी मिर्चें होती हैं उनको एक तरफ से ऐसे स्लश करके एक तरफ से काट कर वो आपने डालनी है, 4 से 5 डालने वो डालने हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपने उसको कुक करना है, ठीक है। कुक करने के बाद आप देखें कि सब चीज़ें जो हैं वो कंबाइन हो चुकी हैं, तो उसके बाद आपने 1 कप दही उसमें डालना है। इसमें आपको सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सॉल्ट ऑलरेडी जो मसाला आप यूज़ करेंगे उसमें होता है। इन्ग्रीडियंट्स में देख लिया करें कि सॉल्ट है या नहीं है, अगर नहीं है तो डाल दें 1 चम्मच टीस्पून, और अगर है उसमें तो फिर आपको डालने की ज़रूरत नहीं, वरना फिर वो बहुत सॉल्टिश की तरफ चला जाएगा, ठीक है, वो खाया नहीं जाएगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स का ज़रा थोड़ा सा ख्याल किया करें। तो अच्छा, अब आपने उसके अंदर 1 कप दही डालना है। दही डालने के बाद आपने उसको ऊपर पानी का एक थोड़ा सा छींटा मार के पहले, उसके बाद दही डालना है। पानी के जब छींटा मार देते हैं तो जो उसका जो जलनपन होता है, जो गर्मी होती है, वो ज़रा थोड़ी सी कम हो जाती है। उसके बाद आपने 1 कप दही डालकर उसको जो है ना अच्छी तरह से कम्बाइन करना है। अब वो वाटरी हो जाएगा। अब आपने उसके ऊपर रख देना ढक्कन, तकरीबन 20 से 25 मिनट तक आपने उसको ढक्कन रखना है, और बीच में 2 दफ़ा, बस ज़्यादा नहीं, 2 दफ़ा सिर्फ आपने 1 चम्मच से चला देना ताकि मसाला जो है वो जलने की तरफ ना जाए।
अच्छा, अब आपने मीडियम फ्लेम पर जो है उसको पकाया है। अब आपने जो उसके खोलेंगे, जब ढक्कन को उठाएंगे तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी होगा, ठीक है ना। उस पानी को थोड़ा सा आपने ड्राई करना है, बिल्कुल ड्राई ना कर दीजिएगा, थोड़ा सा ड्राई करना है, यानी जो ऊपर वाजे नज़र आ रहे हैं पानी है ये, तो उसको आपने थोड़ा सा ड्राई करना है। अब आपने उसको कर देना है साइड पर रख देना है, उसके ऊपर धनिया और पुदीना जो है ना वो एक कप तकरीबन, एक हैंडफुल जो है ना वो आपने उसके ऊपर स्प्रेड करके उसके ऊपर ढक्कन लेके साइड पर रख देना। अब आपने लेना है 2.5 लीटर पानी। 2.5 लीटर पानी में आपने डालनी है जनाब 2 कार्डमम डालनी है, 4 सिनेमन डालनी है और 4 ही क्लोव्स डालने हैं, ठीक हो गया। और आधा चम्मच जीरे का डालना है, आधा चम्मच जीरे का आपने डाल के उसको जनाब आपने उसके अंदर 2.5 चम्मच टीस्पून सॉल्ट के डालने हैं। उसको अच्छी तरह से बॉईल करने के बाद आपने जो सोक करने के लिए 700 ग्राम चावल, अच्छे वाले चावल कर्नल बासमती, वो जो है ना आपने 700 ग्राम जो है वो उसमें आधा घंटे के लिए जो आपने सोक करने के लिए रखे हुए थे वो आपने उसमें ऐड कर देना है। पानी उसका सोक कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, उसके बाद आपने उसको ऐड कर देना है। अच्छा, चावल का निखार पैदा करने के लिए उसमें वही आधा चम्मच, आधा जो कटा हुआ वो है नींबू है, वो आपने उसके ऊपर निचोड़ देना है, ठीक है ना। उसको तकरीबन आपने वैसे 10 से 15 मिनट लगते हैं चावल को बॉयल होने में, उसको ढक्कन वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसको ऐसे ही पकाते रहना है। 2.5 लीटर पानी में वो 700 ग्राम जो पानी चावल हैं वो पक जाएंगे। जब आप उनको ज़रा देखें तो अंदर से थोड़े से सख्त रह जाएँ, यानी 90% वो कुक हो जाए, 80-90% वो कुक हो जाए और 20-10% जो है वो रह जाए कुकिंग से, तो आपने उसको चूल्हे को बंद करके साइड पर पानी को निकाल देना, ठीक है ना। पानी को सोक करने के बाद उसमें आपने एक बड़ा पैन लेना है, बड़ा पैन थोड़ा सा, अभी तक आपने नॉर्मल पैन यूज़ किया था जो घर में हांडियों में इस्तेमाल होते हैं, अब चावल हैं तो चावलों के लिए ज़रा थोड़ा सा खुला पैन लेते हैं ताकि इवन हीट जो है ना वो सब को जाए, वरना नीचे से चावल पक जाते हैं और ऊपर से जब छोटा पैन लेंगे तो नीचे से पक जाते हैं, ऊपर से जो है ना वो कच्चे रह जाते हैं, तो इस चीज़ का ज़रा थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। बड़ा पैन आपने ले लिया, उसके अंदर एक लेयर आपने चावलों की लगा दी, ठीक है ना, नीचे एक लेयर जो है ना बिछा देनी है आपने। उसके बाद वो आपने जो कोरमा बनाया था उसकी एक लेयर जो है ना ऊपर बोन्स वाली चिकन के साथ ही आपने बेड बना दिया उसका। उसके बाद जो चावल बचे हैं आपने वो चावल आपने ऊपर डालकर कवर कर दिया, ऊपर स्लाइस कटे हुए नींबू, ठीक हो गया। उसके बाद आपने उसमें थोड़ी सी जायफल डाल देनी है और बादियान के फूल मिल जाते हैं 2-3 दाने, वो डाल देने हैं और ऊपर से कवर करके उसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक लो हीट पर कुक करना है, ठीक हो गया, लो हीट पर कुक करना है। लो जी, इतनी सी बात थी और आपकी ज़बरदस्त सुपर्ब किस्म की बिरयानी आपकी तैयार होगी। अब आप इसको खाएंगे रायते के साथ और अचार के साथ और मुझ गरीब को तो आप भूल जाते हैं, ये जाहिर है, तो कोई बात नहीं, भूलें, ठीक है, चलता है, ज़िंदगी है, मैं भी खा लूँगा बना के, नो इशू। अच्छा, एनीवे, जस्ट फॉर जॉब, बिरयानी को आपने फोल्ड करना है और नीचे से जो कोरमा है ना उसको उठाकर थोड़ा सा इस तरह से मिक्स करना है, ऐसे ऐसे करके मिक्स नहीं करना है आपने, नीचे से उठाकर और ऊपर से गिराना है उसको, ठीक है ना। इसका ख़ास ख्याल रखेंगे वरना चावल टूट जाता है और वो फिर गूदा बन जाता है, ठीक हो गया। तो ये था, और जब स्टीम आप चावलों को देने लगें तो उसको जो उसका जो ढक्कन है उसको किसी कपड़े से बांध लिया करें और फिर रखा करें ताकि उसकी स्टीम बाहर ना जाए और उसको एक अच्छा जो है ना एटमोसफेयर स्टीम वाला मिल जाए चावल को फूलने के लिए और फिर वो लंबा हो जाता। तो ये थी आपकी बिरयानी, कितनी अच्छी बिरयानी आपको बना के दे दी मैंने। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जमील अहमद को इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में दोबारा हाज़िर होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।